ओ नो, ये क्या हो गया? मैं देख कर आता हूं। भाई आपको ज्यादा लग गई, चले मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। मेरी बात सुने सर, वो ठीक है, उसे इतनी भी नहीं लगी। तुम चुप करो, देख नहीं रही हो, चोट लगी है इसे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं है, मुझे एक जगह जल्दी पहुंचना है। अच्छा तो कुछ पैसे रख लें। मेरी बात सुने सर, उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई हॉस्पिटल आप जा नहीं रहे, पैसे आप ले नहीं रहे, क्यों? आपको चोट लगी है, अभी दिखा देते हैं। चले मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। भाई मुझे यहाँ जमीन पर ये वॉलेट गिरा हुआ मिला था, मैं ये पुलिस को देने ही जा रहा था, मुझे सिर्फ इस वॉलेट के ऑनर की फिक्र है। ये दिखाओ, ये तो वही वॉलेट है जो सुबह गुम हो गया था। मैं कैसे मान लूं कि ये वॉलेट आपका है? भाई इसमें 10,000 रुपए है, मेरा आईडी कार्ड है, ऑफिस का कार्ड है और मेरी अम्मी की तस्वीर है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। इसमें वो सब चीजें हैं जो आपने बताई है, प्लीज चेक कर लें, आगे कुछ मिसिंग है? अरे नहीं नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। ये लें आपकी अमानत, और माफ कीजिएगा मैं अपनी तसल्ली के लिए ये सब पूछ रहा था। मुझे आप पर भरोसा है। हाँ चलें, फिर मैं चलता हूँ। अरे भाई एक मिनट, आप क्या करते हैं? मैं शहर में नया हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हमारी कंपनी को एक वेयर हाउस मैनेजर की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये काम आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं गांव का आदमी हूँ। हाँ क्योंकि हायरिंग मैं कर रहा हूँ और मैं आपको अपनी नई कंपनी में वेलकम करता हूँ। अच्छा सर ये देहाती लड़का है, नहीं कर पाएगा। तुम सीख सकते हो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि तुम जो भी काम करोगे बहुत अच्छा करोगे। फिर मैं कोशिश करूंगा।